आज हम लोग को प्रॉफिट के बारे में पढ़ना है। अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन के हर पार्ट के बारे में पढ़ा। सबसे पहले शुरुआत हुई थी हम लोगों की कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और इससे रिलेटेड जो फैक्टर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हैं, रिसोर्सेज जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आती हैं, उन सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ा। तो सबसे पहले जब लैंड की बात हुई थी, भूमि, क्योंकि ये भी एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन में, तो फिर रेंट से रिलेटेड जो है लैंड के जरिए जो हमें अर्निंग होती है उसको रेंट कहा जाता है। फिर दूसरा आपका आया लेबर, जिससे वेजेस की बात हुई। फिर थर्ड आया कैपिटल, पूंजी, जिसमें हम लोगों ने इंटरेस्ट की बात की। अब चौथा आपका आता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर में यानी कि उद्यमी, तो उद्यमी ये सारे अर्निंग तो हो गए जो फैक्टर्स ऑफ रिसोर्सेज में, ये जो एंटरप्रेन्योर है वो इन चीजों को यूज करता है जब उसको कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता है। वो लैंड एरिया या ऑफिस यूज करता है, उसके बदले में वो रेंट देता है, वो जिनको काम पर लगाता है, चाहे वो लेबर्स हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हो, उनको वो वेजेस और सैलरी देता है। फिर अगर उसकी कंपनी में उसके पास सफिशियंट पैसा नहीं है तो वो बैंक से पैसा उधार लेता है, तो उसके बदले में वो इंटरेस्ट पे करता है। अब इन सारी प्रोसीजर्स को करने के बाद एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? वो ऐसा क्यों करेगा? कुछ तो उसको पर्पस होगा इसको करने का। एंटरप्रेन्योर की अर्निंग, इन सारी चीजों से वो कमाई करता है और वो अपना घर चलाता है। और अर्निंग किस फॉर्म में होती है? प्रॉफिट के फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड हो गया प्रॉफिट, जिसके बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है कि प्रॉफिट क्या होता है, अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने प्रॉफिट के बारे में कैसे डिफाइन किया है, क्या टाइप्स हैं उसके, प्रॉफिट कैसे गेन किया जाता है, और जो एंटरप्रेन्योर है वो प्रॉफिट को मैक्सिमम कैसे बनाने की एफर्ट रखता है। तो प्रॉफिट, आज जो चैप्टर है आपका, मीनिंग ऑफ प्रॉफिट। जो भी उद्यमी बिजनेस करने का रिस्क लेता है उसके बदले में जो उसको रिटर्न मिलता है, या कोई भी उद्यमी जो भी इनपुट लगाता है उसके बदले में जो उसको आउटपुट गेन होता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। अब रिस्क लेता है, बिल्कुल वो पैसा लगा रहा है, पता नहीं उसका बिजनेस सक्सेस करेगा कि ऐसा तो नहीं कि उसका पैसा डूब जाएगा, लेकिन फिर भी वो रिस्क ले रहा है। तो रिस्क लेने के बाद जब उसका बिजनेस चल जाता है और उसको प्रॉफिट गेन होने लगता है, प्रॉफिट का मतलब ये हो गया कि जितना मतलब डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड प्राइस, सॉरी उल्टा हो गया, हम ये कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइस माइनस कॉस्ट, यही तो हमारा प्रॉफिट होगा। अगर किसी कॉमोडिटीज की प्राइस 15 रुपए है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 10 रुपए है, तो फिर हमें प्रॉफिट गेन हो रहा है 5 रुपए का। यानी कि कॉस्ट जो है मूल्य में से जब घटा दिया जाता है तो जो 5 रुपए एक्स्ट्रा बच रहा है वो हमारा प्रॉफिट हो रहा। मतलब ये पैसा हम अपने ऊपर खर्च करेंगे, ये किसी की अर्निंग नहीं होती है। बेटा कौन? हेलो, गुड आफ्टरनून मैम, मैं साक्षी बोल रही हूँ। साक्षी बेटा, मैं अभी जरा क्लास कर रही हूँ
ना, इसी नंबर पे तुम्हें दोबारा कॉल करूंगी अभी क्लास के बाद, है ना? हाँ बाय ठीक। डॉक्टर। ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को उसने जो रिस्क लिया था मैन्युफैक्चरिंग करके, और जब मार्केट में वो बेचने गया तो उसको ज्यादा प्राइस मिला। रिस्क ये भी हो सकता था कि जितनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उतना ही उसको रिटर्न होता या इससे कम रिटर्न होता, लेकिन फिर भी उसने रिस्क लिया और रिस्क उसका कामयाब रहा। 15 रुपए में सामान बिका जबकि उसको बनाया से 10 रुपए में गया था। तो ये जो उसको एक्स्ट्रा अर्निंग हुई इसको प्रॉफिट कहा जाता है। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉफिट किसको कहा जाता है। अब आता है डेफिनेशन। अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने, जेके मेहता ने, हेनरी ने और प्रोफेसर नाइट, सबसे ज्यादा फेमस जो है प्रोफेसर नाइट की परिभाषा है, फिर प्रोफेसर शुमपिटर, इन लोगों ने अलग अलग अपने तरीके से इसको डिफाइन किया है। बुक में है, देख लीजिएगा डेफिनेशन। अब आता है टाइप्स ऑफ डेफिनेशन। टाइप्स ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने तरीके का होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट की। ग्रॉस मतलब कुल प्रॉफिट। जो उद्यमी है, जो एंटरप्रेन्योर है, उसके प्रोडक्शन के ऊपर जो उसको ज्यादा आमदनी होती है, जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट 10 रुपए अगर लगा है तो उससे ऊपर उसको 20 रुपए की जो आमदनी हो रही है, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट ले करके, तो इसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। और ये दो तरीके का होता है ग्रॉस प्रॉफिट। पहला होता है एक्सप्लिसिट और दूसरा होता है ए बी इम्प्लिसिट। शुरू में जब हम आपको चैप्टर पढ़ा रहे थे तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट ये दोनों तरीके के प्रॉफिट के बारे में हमने आपको बताया था। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट है वो कॉस्ट जो कि जो प्रोड्यूसर होता है वो फैक्टर्स ऑफ रिसोर्सेस को जब कलेक्ट करता है तो उसके ऊपर वो जो लगाता है उसको कहा जाता है। जैसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट में हम रॉ मटेरियल्स की बात करते हैं, फिर लेबर्स की वेजेस की बात करते हैं, उसके अलावा जो कैपिटल हमने लिया है उस पर इंटरेस्ट की बात होती है, उसके अलावा अगर हमने लैंड लिया है तो उसके रेंट की बात होगी, फिर उसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ मशीनरीज, जो मशीनरीज हम लोग यूज करते हैं उनकी बीच बीच में जो टूट फूट होती रहती है उसके मेंटेनेंस में जो पैसा लगता है, और जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसके एडवर्टीजमेंट, उसके विज्ञापन पर जो पैसा खर्च होता है, इंश्योरेंस जो हम कराते हैं अपने कंपनी के पार्ट्स ऑफिस सारी चीजों का वो खर्चा, और साथ में जो हम टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं, ये सारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि क्लियर नहीं होती है। क्लियर होने का मतलब जो प्रोड्यूसर स्वयं अपनी सेवा दे रहा है उस कॉस्ट को कहा जाता है, जबकि जो एंटरप्रेन्योर है उसकी सेवा का उसको कोई पुरस्कार नहीं मिलता है। वो भी 8 घंटे ऑफिस में काम कर रहा है लेकिन वो सैलरी नहीं ले रहा है, वो सिर्फ अपनी प्रॉफिट को लेता है, और वो भी जो हर तरीके से एफर्ट लगाता है कंपनी में, भले ही है कि ठीक है कंपनी तो उसकी ही है, प्रॉफिट तो अंत में उसके ही खाते में जा रहा है, तो प्रॉफिट तो वो इतना खर्च कर रहा है तब उसको मिल रहा है, लेकिन जो वो खुद कंपनी में काम कर रहा है उसके बदले में उसको कोई रिवार्ड नहीं मिलता है, उसको इम्प्लिसिट कॉस्ट कहा जाता है। अब उसके अपने कॉस्ट में जैसे एक तो जो है प्रोड्यूसर की सर्विस हो गई, और दूसरी तरफ अगर लैंड एरिया किसी और का ना हो के उसकी खुद की अपनी हो तो उस पर उसको कोई रेंट नहीं देना होता है, उसके अलावा अगर उसके पास सफिशियंट मात्रा में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा था और उसको बैंक से कोई उधार नहीं लेना पड़ा तो
तो फिर जो इंटरेस्ट बैंक अगर बैंक को देता तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ता। अब अपनी पूंजी पर तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, वो पैसे का वो नुकसान झेल रहा है, अगर बैंक लेता तो उसको फायदा होता। तो इस तरीके के जो चीजें हैं इसको इम्प्लिसिट कॉस्ट कहा जाता है, यानी कि स्पष्ट रूप से जो चीज सामने नजर नहीं आ रही है लेकिन इनडायरेक्टली उस सेवा को अगर कोई और करता तो उसके बदले में उसको पैसा देना पड़ता। तो इस तरीके से ये हो गया आपका जो है टोटल इस पर ग्रॉस प्रॉफिट जिसको कहा जाता है। अब दूसरा आता है आपका रियल दूसरा आपका आता है ये ग्रॉस प्रॉफिट में। अब कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कौन कौन से आइटम्स है इसमें। रिवार्ड्स ड्यू टू लैंड एंड कैपिटल जो मैंने अभी बताया वही सारा है। मेंटेनेंस ऑफ मशीनरीज, एक्स्ट्रा पर्सनल गेन्स, सारी चीजें जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आती हैं। और अब दूसरा जो टाइप है वो आपका हो गया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट टोटल कॉस्ट में से जब सारी चीजें माइनस कर दी जाती है, टोटल कॉस्ट या फिर टोटल प्रॉफिट लिख सकते हैं, टोटल प्रॉफिट में से जब एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस टैक्स ये सारी चीजें माइनस कर दी जाती हैं और उसके साथ साथ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी माइनस कर दिया जाता है तो फिर तो जो नेट प्रॉफिट आ जाता है, यानी कि अगर हम प्रोडक्शन कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो फिर जो बचता है उसको हम लोग नेट प्रॉफिट कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए टोटल हमें प्रॉफिट मिला 50 रुपीज का, लेकिन इसमें से जो ये इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन सब 30 रुपए था सब मिला करके प्रोडक्शन कॉस्ट, तो अब हमको सिर्फ 20 रुपए जो है ये एक्स्ट्रा मिल रहा है, यही हमारा नेट प्रॉफिट है। ये अब इसमें कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं निकालना है कॉस्ट में, ये सीधा सीधा एंटरप्रेन्योर के खाते में जाएगा, वो अपने तरीके से अपनी फैमिली के ऊपर खर्च कर सकता है और अपने खुद सेल्फ कंजम्पशन के लिए खर्च कर सकता है, जिसको कि नेट प्रॉफिट कहा जाता है। अब नेक्स्ट आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉफिट। जो प्रॉफिट है उसके करेक्टर्स क्या क्या है। सबसे पहला करेक्टर है कि ये निगेटिव हो सकता है, प्रॉफिट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। कभी कभी हो सकता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट उसका 20 रुपए लगा हो लेकिन मार्केट में जो ये प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया और मार्केट में जो प्राइस है वो मात्र उसको 15 रुपए ही मिली, तो अब यहाँ पर तो उसको 5 रुपए का नुकसान हो रहा है, -5, 5 रुपए का इसको नुकसान हो रहा है। और लेकिन ये कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, 20 रुपए का प्रोडक्ट बना है और मार्केट में जो प्राइस है वो 30 रुपए में मिली, ये प्राइस हो गई तो उसको 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है प्रॉफिट, ये इसका पहला करेक्टर। दूसरा आता है इसमें फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं, कभी ये बढ़ सकता है और कभी ये घट सकता है, ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, यानी कि इसमें बराबर फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं, प्रॉफिट में कम ज्यादा हो सकता है। तीसरा डिसकंटिन्यूटी रहती है, अनिश्चितता बनी रहती है, पता नहीं प्रॉफिट होगा कि नहीं, अनसर्टेनिटी पाई जाती है इसमें। और चौथा ये जो है नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम है। नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम इसलिए क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर है उसको ये इनकम मिलती है और ये कोई निश्चित नहीं है, कोई अनुबंधीय नहीं है। अगर एंटरप्रेन्योर के पास एक लेबर आके काम करता है तो उसकी सैलरी फिक्स हो जाती है, 100 रुपए पर डे तुमको वेजेस हम देंगे। एक क्लर्क क्लर्क आके अगर काम करता है तो उसकी सैलरी फिक्स हो जाती है कि पर मंथ
हम आपको 10,000 रुपए दे रहे हैं पर मंथ, लेकिन एंटरप्रेन्योर की प्रॉफिट, क्योंकि एंटरप्रेन्योर खुद बिजनेस कर रहा है, अब वो किससे अनुबंध करेगा, किससे कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि हम अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हमको इतनी प्रॉफिट अवश्य मिलनी चाहिए। इस वजह से ये माना जाता है कि एंटरप्रेन्योर की जो प्रॉफिट है वो नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल होती है, लेबर्स और क्लर्क इन सब की तरह कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं होता है कि काम के बदले हम इतना रुपए फिक्स करो हमारा तभी हम काम करेंगे। आपकी प्रॉफिट भी फिक्स नहीं होती, आपकी मर्जी है आप बिजनेस करिए और आपकी मर्जी है आप बिजनेस ना करिए। तो ये तो हो गया जो है करेक्टर्स। अब नेक्स्ट आता है थ्योरीज। प्रॉफिट की बहुत सारी थ्योरीज हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेंट थ्योरी। ऑफ प्रॉफिट, जिस तरीके से लैंड में हम लोगों ने रिकॉर्डों की थ्योरी पढ़ी है और ये माना है कि एक मार्जिनल लैंड होती है, मार्जिनल लैंड ही ये जो दाम होता है वो फिक्स करती। मार्जिनल लैंड कौन सी थी, ए बी सी और डी, इतने प्रकार की थी, ये मोर फर्टाइल, ये उससे कम और ये बिल्कुल कम और ये बंजर धरती। बंजर धरती की जो कीमत वही प्राइस को फिक्स करती है जिसको कि मार्जिनल लैंड कहा जाता है। तो सेम इसी बेसिस पर प्रोफेसर, इसी मतलब थीम पर या इसी कॉन्सेप्ट पर हम ये कहें कि प्रोफेसर वॉल्कर नाम के एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को दिया था, और वो ये मानते थे कि लगान की तरह ही प्रॉफिट भी है, जो कि मनुष्य जैसे चार तरह के बिजनेसमैन है, एक ये बहुत ज्यादा कैपेबल है, मोर कैपेबल है, बी नॉर्मल व्यक्ति है, सी इनकैपेबल है और डी तो बिल्कुल ही खराब है, उसे तो कुछ भी नहीं आता है। तो ये ज्यादा प्रॉफिट और प्रोडक्शन कॉस्ट सेम लगे हुए हैं, कॉस्ट सबके सेम है, कॉन्स्टेंट है, लेकिन ये ज्यादा प्रॉफिट गेन कर लेता है, ये नॉर्मल प्रॉफिट गेन करता है और ये लॉस में रहता है। तो जो लॉस में रहता है वो उसको क्या कहा जाएगा, वो मार्जिनल एंटरप्रेन्योर कहा जाएगा, मार्जिनल साहसी इंडस्ट्रियलिस्ट। और उसी के प्रॉफिट से जो मतलब इसको जितना अर्निंग हो रही है, इसकी अर्निंग से जब इसकी प्रॉफिट को माइनस किया जाएगा तो जो बचेगा वही प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक इसी लैंड एरिया की तरह। प्रॉफिट की मात्रा कितनी है वो सी के अर्निंग से फिक्स किया जाएगा, और सी इज अ मार्जिनल एंटरप्रेन्योर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। और इसीलिए इन्होंने जैसे रेंट रेंट को एक डिफरेंशियल सरप्लस माना गया है, उसी तरीके से यहाँ पर इन्होंने प्रॉफिट को भी डिफरेंशियल सरप्लस माना है। और वॉकर का कहना है कि प्रॉफिट इज द रेंट ऑफ एबिलिटी, प्रॉफिट जो है वो साहसी की एबिलिटी से उत्पन्न होता है, और इस वजह से जो है इसको रेंट थ्योरी की ही तरह माना जाना चाहिए, और ऐसे ही जो उद्यमी है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करने की कोशिश करते हैं। अब नेक्स्ट आपका आता है, अब इस थ्योरी की भी बहुत सारी आलोचना की गई है कि कुछ लोग कहते हैं कि प्रॉफिट इज नॉट ऑलवेज द रिवार्ड ऑफ बिजनेस एबिलिटी, जो प्रॉफिट है वो हमेशा बिजनेस एबिलिटी के कारण नहीं मिलता है, और दूसरा कि जो मार्जिनल एंटरप्रेन्योर की इन्होंने कॉन्सेप्ट किया है वो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, रियल में ऐसा नहीं होता है, और परफेक्ट सिमिलैरिटी प्रॉफिट और रेंट में इन्होंने की है जबकि ऐसा नहीं है, रेंट और प्रॉफिट में कोई सिमिलैरिटी नहीं। रेंट तो फिक्स होता है, किसी लैंड एरिया पे अगर हमें काम करना है तो पहले से फिक्स हो जाता है कि इस पर हमें जिसका लैंड एरिया है उसको कितना किराया देना है, उसने कहा हमको जो है 2 लाख रुपए साल में आप हमको दोगे, तो 2 लाख रुपए फिक्स हो गया, लेकिन जो प्रॉफिट होता है वो फिक्स नहीं होता है कि ये 2 ही लाख हमको प्रॉफिट होगा, ये तो डिपेंड करता है हमारी एबिलिटी पर, हमारी कैपेबिलिटी पर, हम कितना ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं। तो इस वजह से प्रॉफिट 2 लाख नहीं होगा, फिक्स नहीं होगा, प्रॉफिट ज्यादा भी हो सकता है, प्रॉफिट कम भी हो सकता है। तो इस वजह से प्रॉफिट और रेंट में
हमको कोई कंपैरिजन नजर नहीं आता है, जबकि वॉकर ने प्रॉफिट और रेंट में कंपेयर कर दिया है, इसलिए भी इकोनॉमिस्ट इसकी आलोचना करते हैं। प्रॉफिट कैन बी निगेटिव, जैसे जनरली क्या होता है बिहार में, तो प्रॉफिट निगेटिव भी हो जाता है, और जबकि इसके बारे में वॉकर ने कुछ भी नहीं बताया है, तो इसको लेकर के भी काफी ज्यादा लोग जो है क्रिटिसाइज करते हैं। तो इस तरीके से ये थ्योरी फेल हो गई। फिर दूसरी थ्योरी आई, वेस्ट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट थ्योरी आई, वेस्ट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। वेस्ट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट जो है टॉजिंग और डेविन पोर्ट द्वारा इस थ्योरी को दिया गया था। नाम लिख लीजिए, टॉजिंग एंड डेविन पोर्ट। अब ये जो इकोनॉमिस्ट है, जैसे उधर वॉकर ने प्रॉफिट को रेंट से कंपेयर कर दिया था, और इन्होंने क्या किया कि प्रॉफिट को वेजेस से कंपेयर कर दिया। इनका कहना था कि जिस तरह एक लेबर काम करता है, तो उसको जो है उसके काम के बदले में वेजेस दी जाती है। एक क्लर्क काम करता है तो उसको उसके काम के बदले में सैलरी दी जाती है। उसी तरीके से जो एंटरप्रेन्योर है, जब वो अपनी कंपनी में काम करता है, तो वो अपने काम के बदले, सेवा के बदले में प्रॉफिट गेन करता है। तो जितना ज्यादा ये मेहनत करेगा, उतना ही प्रॉफिट जो है वो बढ़ती जाएगी, और जितना कम मेहनत करेगा, उतनी ही प्रॉफिट उसकी कम होती जाएगी, क्योंकि ये प्रॉफिट इन दोनों के अंतर से उसको गेन होता है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि जो प्रॉफिट है वो जो कॉमर्शियल कैपेबिलिटी होती है, जितना ज्यादा वो अपनी यूज करेगा, उतना ही ज्यादा उसको उसके बदले में रिवार्ड मिलेगा। और अब इन्होंने अपनी जो ये बात है उसको समझाने के लिए दो मेन बेस बताया है। पहला है कि जो प्रॉफिट है वो केवल और केवल इंसिडेंस से प्राप्त नहीं होता है, बल्कि उसके लिए जितना जो एंटरप्रेन्योर है मेहनत करेगा, उतना ही उसका बिजनेस बढ़ेगा और उतना ही ज्यादा उसको प्रॉफिट गेन होगा। पहला तो इन्होंने ये बताया, और दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि लाभ जो है मजदूरी वेजेस रेट की ही तरह होता है। इसको मानने का एक कारण और भी है कि जो एंटरप्रेन्योर है और जो सैलरी बेस मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, उनके बीच में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि दोनों श्रम करते हैं, दोनों परिश्रम करते हैं, और इसलिए दोनों को अलग-अलग स्वरूप में जो है रिवार्ड मिलता है। एक को सैलरी के रूप में मिलता है, दूसरे को प्रॉफिट के रूप में मिलता है। इसलिए भी ला जो प्रॉफिट है उसको वेजेस के रूप में माना जाना चाहिए, क्योंकि जैसा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, ठीक वैसे ही एंटरप्रेन्योर भी काम करता है ऑफिस में। उसके काम में और ऑर्गेनाइजेशन के काम में कोई अंतर नहीं होता है। तो अगर उसे सैलरी और वेजेस मिलता है, तो यहाँ पर उसको जो है प्रॉफिट कहा जाता है, बस इतना ही अंतर है। तो लेकिन इसको भी लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि श्रम और मतलब लेबर और एंटरप्रेन्योर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। काम भले एक जैसा हो, वेजेस फिक्स हो जाती है, प्रॉफिट फिक्स नहीं होती है, इस वजह से हम बिल्कुल एक जैसा नहीं मान सकते हैं। और जो लेबर होता है वो कंपनी में रिस्क नहीं लेता है। लेबर तो किसी भी कंपनी में जब काम करने जाएगा, चाहे कंपनी का जो एंटरप्रेन्योर है उसको प्रॉफिट हो चाहे ना हो, लेकिन लेबर का तो जो वेजेस है वो फिक्स है। वो तो अपनी 100 रुपए मजदूरी उसी दिन ले लेता है, और उसके बाद कंपनी में जो प्रोडक्ट है वो बिकने के लिए तो बाद में मार्केट में जाते हैं। तो वहां पर एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है, पता नहीं उसकी प्राइस ज्यादा मिलेगी कि कम मिलेगी, लेकिन लेबर रिस्क नहीं ले रहा है, उसको कोई जोखिम नहीं उठाना पड़ रहा है। उसका तो सैलरी उसको मिल गया, उसकी वेजेज उसको मिल गई है। तो इस तरीके से इन दोनों में कोई कंपेयर नहीं किया जा सकता है। और दूसरी तरफ जो प्रॉफिट है वो इंसिडेंशियल प्रॉफिट कही जाती है, यानी कि आकस्मिक लाभ कहा जाता है, और लाभ की मात्रा बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो इस तरीके से लोगों ने इसको, इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया। फिर नेक्स्ट थ्योरी जो आती है उसको कहा जाता है द रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, द रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। इस थ्योरी को देने वाले जो इकोनॉमिस्ट थे वो अमेरिकी इकोनॉमिस्ट थे, प्रोफेसर
हावले ने इस थ्योरी को 1907 में ये थ्योरी दी थी और बाद में इस थ्योरी को सपोर्ट किया था प्रोफेसर मार्शल ने। अब इन्होंने क्या बताया, ये जो थ्योरी है वे कहती है कि जो प्रॉफिट है वो जोखिम उठाने का पुरस्कार है। प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ रिस्क। प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ रिस्क, यानी कि जोखिम उठाने का पुरस्कार होता है। अब उनका कहना था कि जो एक साहसी होता है, साहसी मतलब उद्यमी, उद्यमी जो है फ्यूचर में उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा इस चीज को ध्यान में रखते हुए वो चार तरीके से रिस्क लेता है। पहला रिस्क होता है रिप्लेसमेंट रिस्क, रिप्लेसमेंट रिस्क। दूसरा जो उसको रिस्क उठाना पड़ता है वो है रिस्क ऑफ मार्केटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। मार्केट में जो है प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं बिकेगा, कितना बिकेगा, किस तरह से उसको मार्केटिंग मार्केटेबिलिटी करनी पड़ेगी, मार्केट में कैसे अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना होगा, इन सारी चीजों का वो रिस्क उठाता है। तब जा करके उसको उसके जो है बदले में प्रॉफिट मिलता है। तीसरा जो रिस्क है वो है रिस्क अबाउट अनसर्टेनिटी। रिस्क रिस्क अबाउट अनसर्टेनिटी। तो इस तरीके से चार तरीके की अनसर्टेनिटी पाई जाती है जिसकी वजह से रिवार्ड जो है वो उद्यमी को मिलता है। लेकिन ये भी जो है थ्योरी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं थी, इसको भी लोगों ने जो है क्रिटिसाइज किया है कि प्रॉफिट जो है वो रिस्क कम करने का पुरस्कार है, ये ठीक नहीं है। दूसरी तरफ प्रॉफिट इज नॉट रिवार्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। फिर तीसरे इकोनॉमिस्ट थे प्रोफेसर नाइट, उन्होंने कहा कि प्रॉफिट डज नॉट अराइज एन अकाउंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क। तो इस तरीके से करके अलग अलग तरीके से लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया। फिर नेक्स्ट थ्योरी जो इस पे आई, बहुत छोटी छोटी थ्योरीज हैं इसमें, और सिर्फ लास्ट में जो मॉडर्न थ्योरी है वही थोड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन है। ये सब कुछ छोटी छोटी सी थ्योरीज हैं लेकिन अक्सर पूछी जाती हैं तो आपको जो है पढ़ना ही पड़ेगा। प्रोफेसर नाइट की जो प्रॉफिट थ्योरी है ये बहुत पूछा जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ज्यादातर क्वेश्चन तो आते हैं, अब चूंकि आप लोग को तो अगर रिप्लेस कर दिया गया यानी कि आगे प्रमोट कर दिया गया तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, लेकिन नेट के एग्जाम के हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करिए, क्योंकि नेट के एग्जाम तक तो आप लोगों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी बेयरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट या फिर नाइट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। नाइट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, इसी को अनसर्टेनिटी बियरिंग ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है। अनसर्टेनिटी बियरिंग का मतलब है कि जनरली प्रोफेसर नाइट जो है वो ये कहते हैं कि जो प्रॉफिट है वो एंटरप्रेन्योर को सिर्फ रिस्क लेने की वजह से नहीं मिलता है, बल्कि उसमें जो अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है उसकी वजह से उसको प्रॉफिट क्रिएट जो है गेन होता है। अब ये अनसर्टेनिटी क्या होती है इसके बारे में उन्होंने बताया कि अनसर्टेनिटी दो तरीके से होती है। एक होती है पहली, यानी कि जिसको कहा जाता है नोन रिस्क, नोन रिस्क, और दूसरी जो है उसको कहा जाता है अननोन रिस्क। अब नोन रिस्क में क्या है कि जनरली ऐसे जोखिम को इसमें इंक्लूड किया जाता है जिसको कि हम लोग इंश्योरेंस करा सकते हैं। नोन रिस्क जो है इंश्योरेबल होता है, इंश्योरेबल रिस्क जिसका कि इंश्योरेंस कराया जा सकता है, और अननोन का नॉन इंश्योरेबल।
जो बीमा योग्य नहीं होता है, ये अचानक से क्रिएट होता है और ये सर्टेन होता है यानी कि निश्चित होता है। अब इंश्योरेबल में यानी कि जिसको कि हम पहले से जानते हैं और उसके रिस्क को हम कवर कर सकते हैं, वो कौन कौन सी है? जैसे उसमें अगर कंपनी में आग लग जाती है, किसी की मृत्यु हो गई, कोई दुर्घटना हो गया, जो टूट फूट है मशीनरीज की, इसके बारे में हमको पता होता है, तो ऐसे जो इंसिडेंट होते हैं उनको स्टेटिस्टिकल बेस डेटा कलेक्ट करके हम पहले से उसको इंश्योर्ड कर लेते हैं। और अब चूंकि बीमा कंपनी से अगर हमारा इंश्योरेंस हो जाता है, तो कभी भी अगर इसमें कोई डिफॉल्ट क्रिएट होता है तो बदले में जितना भी हमारा लॉस होता है वो बीमा कंपनी देती है। तो ऐसे में इसमें हमें कोई प्रॉफिट गेन नहीं होता है, क्योंकि हम पहले इंश्योरेंस वाली कंपनी को हम पैसा देते हैं, बाद में हमारे नुकसान होने पर वो प्रॉफिट हमको देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये नोन रिस्क होता है जिसको कि पहले से पता है। अननोन रिस्क उसको कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी प्रोडक्शन जो वो कर रहा है, अचानक से उसका दाम महंगा हो गया, उसका प्रॉफिट उसको लॉस में जाने लगा, या जितना पैसा वो प्रोडक्शन में लगा रहा है मार्केट में अपनी कॉमोडिटीज को सेल करने गया, उतना उसका पैसा नहीं मिल पा रहा है, उससे कम उसको मिल रहा है। तो इस तरह के जो जोखिम होती है जिसके बारे में उसको पहले से कोई भी पूर्वानुमान नहीं होता है, बल्कि वो प्रॉफिट मार्केट के उतार चढ़ाव पर डिपेंड करता है कि इन्फ्लेशन की कंडीशन है या डिफ्लेशन की कंडीशन पर है। तो ऐसे जो नॉन इंश्योरेबल रिस्क होते हैं, प्रॉफिट वहीं पर क्रिएट होता है जिसके बारे में उसको कुछ पता नहीं है। मार्केट में 10 रुपए का सामान बनाया, मार्केट में गया, अच्छी बात है कि मार्केट में इन्फ्लेशन था, उसका प्रोडक्ट महंगा बिका और उसको जो है ज्यादा प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके से जो अननोन रिस्क वो ले रहा है, उसी के बदले में उसको जो प्रॉफिट रिवार्ड मिलता है वही जो है प्रॉफिट कहलाता है। तो लेकिन इसको भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो है क्रिटिसाइज करते हैं कि प्रॉफिट इज नॉट द रिवार्ड ऑफ अनसर्टेनिटी बियरिंग, कि प्रॉफिट जो है वो अनसर्टेनिटी सिर्फ लेने का पुरस्कार नहीं है, और अनसर्टेनिटी बियरिंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन इंडिपेंडेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इस तरह से भी कह करके बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रॉफिट इज नॉट द रिवार्ड ऑफ अनसर्टेनिटी बियरिंग बट इट इज द रिवार्ड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एबिलिटी, कि ये जो है एंटरप्रेन्योर की एबिलिटी पे ही डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से बिजनेस कर रहा है। अगर उसकी कैपेबिलिटी अच्छी है, उसका माइंड अच्छा है, अच्छी जगह से उसने ट्रेनिंग ली है, बढ़िया अच्छी जगह से अच्छे जो है यूनिवर्सिटी से उसने एमबीए किया है, तो उतने ही कॉस्ट में वो ज्यादा प्रॉफिट गेन कर लेता है, और दूसरा अगर उतना कैपेबल नहीं है तो उतना प्रॉफिट गेन नहीं कर पाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने इन सब सारी चीजों को क्रिटिसाइज किया है। फिर नेक्स्ट दूसरी थ्योरी आती है डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, इसमें हम लोगों ने दो तरीके का कॉन्सेप्ट पढ़ा था डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट में, स्टैटिक एंड डायनेमिक। उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है स्टैटिक एंड डायनेमिक। प्रोफेसर जेबी क्लार्क ने इस थ्योरी को दिया था, जेबी क्लार्क ने 1900 में इस थ्योरी को बताया था। अब ये जो सिद्धांत है ये कहता है कि जो प्रॉफिट में चेंजेस होता है उसका रिजल्ट होता है, मतलब जो प्रॉफिट है वो परिवर्तन का परिणाम होता है, यानी कि किस में परिवर्तन, जो हमारी इकोनॉमी में चेंजेस होते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था में, उसकी वजह से प्रॉफिट गेन होता है। और ये केवल डायनेमिक अर्थव्यवस्था से, डायनेमिक जो इक्विलिब्रियम होता है या डायनेमिक इकोनॉमिक्स जो होता है उसी से प्रॉफिट गेन होता है, और ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम से या स्टैटिक इकोनॉमी से प्रॉफिट को नहीं गेन किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने पूरी इकोनॉमी को दो पार्ट में डिवाइड करके तब डिफाइन किया है, पहला स्टैटिक कंडीशन और दूसरा डायनेमिक कंडीशन। अब स्टैटिक कंडीशंस में इनका कहना है कि जो अर्थव्यवस्था में समय समय पर जो चेंजेस होते रहते हैं वो चेंजेस मेन पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, प्रोडक्शन की वजह से, कंजम्पशन की वजह से, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन की वजह से होता है, और जिसके कारण जो प्रोडक्शन है वो
अनसर्टेन होता है, कभी जनसंख्या बढ़ गई तो प्रोडक्शन बढ़ाना भी पड़ेगा, पर जनसंख्या घट गई तो प्रोडक्शन कम भी करना पड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट गेन नहीं होता है। लेकिन डायनेमिक जो समाज होता है, वहां पर जो चेंजेस होते हैं, वही जो है प्राइस में अंतर क्रिएट करते हैं, और उसी के कारण जो है प्रॉफिट जो है वो क्रिएट होता है। तो जिसकी वजह से जो है एंटरप्रेन्योरशिप को जो है प्रॉफिट गेन होगा। तो लेकिन इसको भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं जनरली कि ये भी डायनेमिक जो थ्योरी है, ये भी अपने आप में कंप्लीट प्रॉफिट को नहीं डिफाइन करता है। अब नेक्स्ट हम लोग कल जो है इसके बाद की जितनी थ्योरीज बची हुई हैं हम लोग